तो जब मैं सिक्स ग्रेड में पढ़ता था ना, तो टीचर क्लास को ना सेक्स एजुकेशन पढ़ाने वाली थी। तो टीचर ने हम सबको एक कंसेंट फॉर्म दिया और कहा कि अपनी माँ बाप से साइन करा कराओ। और जब मैंने अपनी माँ को फॉर्म दिया ना, तो उन्होंने कहा मैं नहीं साइन करने वाली, she refused to sign it। और फिर मैं सिक्स की क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो फिर मैं सोच में पड़ गया कि अगर मैं स्कूल से नहीं सीखूंगा ये, तो कहाँ से सीखूंगा। So me and Harry are gonna buy condoms acting like kids and interview uncles to test their knowledge on sex education and if any of them can help us put a condom on without getting slapped. Get out! आप कहाँ से आए? मैं पाकिस्तान से। मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से? तो आपको इंडिया ज़्यादा अच्छा लगता है या पाकिस्तान? मुझे इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया दोनों अच्छे, दोनों अच्छे लगते हैं ना। तो अंकल हमारे ना स्कूल के प्रोजेक्ट है ना, उसमें ना स्कूल में ना हमारे ना एजुकेशन पढ़ाते हैं, सेक्स एजुकेशन पढ़ाते हैं। अच्छा। तो हम लोग पूछ रहे थे कि आप लोगों को क्या लगता है कि सेक्स एजुकेशन कनाडा में पढ़ानी चाहिए? नहीं, बल्कि हर जगह पढ़ानी चाहिए। एजुकेशन होनी चाहिए ना। तो सेक्स एड आपको लगता है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए या नहीं? नहीं, पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए? क्यों पढ़ाना चाहिए? बच्चों को एजुकेट करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर ने क्वेश्चंस दिए थे, कहा था कि ना ये लोगों से पूछना है, उनकी मालूमात चेक करना कि उनको कितना मालूम है सेक्स एजुकेशन के बारे में। तो हर एक को पता होना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो जो खराब जो हो रहे हैं उनको एक लिमिट में, अंदाजा लिमिट में चाहिए कि सेक्स कैसे करते हैं ना। नहीं, सेक्स कैसे में एक लिमिट होती है ना। आप ये नहीं कि बचपन से सेक्स स्टार्ट कर दें। बचपन से? तो कौन सी एज से पढ़ानी चाहिए बच्चों को? या लाइक आफ्टर 12 इज ओके आई गेस। सो डिड यू हिट प्यूबर्टी? What do you mean by that? How do you know you hit puberty? Yeah, from 12, I mean from when you were age 12. You're gonna get beard, you're gonna get all the hair. Beard? Yeah. May I hit puberty? Of course you hit, man. You puberty? You puberty? Sex kab se start karna chahiye? Age 18 se 18 years ke baad. 18 years ke baad. 24 ke baad. 24 ke baad sex kar sakte hai, achha. Toh ye age kyun hai? Kyun? क्योंकि ये बच्चों के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर गंदा असर पड़ता है। अच्छा, गंदा असर पड़ता है सेक्स से? तो आपके दिमाग ख़राब हो जाता है सेक्स से? हाँ, तो सेक्स होना क्यों चाहिए, करते क्यों हैं लोग? लोग इसलिए करते हैं कि ज़हनी फ्रेश के लिए। एक तो ये तुम्हें एक रिश्ता ऐसा है कि ये तुम समझ ले वो आपको एक माइंड फ्रेश के लिए। सेक्स होना क्यों चाहिए? माइंड फ्रेश के लिए। माइंड फ्रेश के लिए सेक्स करते हैं? मुझे समझ तो लगा था बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स करते हैं। बच्चे पैदा के लिए नहीं, माइंड फ्रेश करने के लिए करते हैं। नॉट ओनली, नॉट ओनली दैट, बट यू गेट लॉस्ट ऑफ हार्मोन्स, यू गेट फीलिंग्स, यू गॉट फीलिंग्स फॉर द अपोजिट सेक्स। हां, फीलिंग्स? या क्या फील होता है? तो किस करने से बच्चा पैदा होता है क्या? नहीं नहीं, किस करने से बच्चा पैदा नहीं होता। तो फिर क्यों होता है? करने से ही पैदा होता है। टीचर ने कहा था एक चीज़, उसका नाम है कंडम। वो कंडम की इम्पोर्टेंस क्या है कि क्यों लोगों को चढ़ाना चाहिए? चढ़ानी इसलिए चाहिए कि अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे पैदा हो रहे हैं, हाँ, तो अगर इसे बढ़ा रहे हैं तो फिर आप कहाँ से? दो ही अच्छे, दो ही अच्छे बच्चे ना, दो। तो दो के बाद आपको चढ़ाना चाहिए? दो। हाँ, तो चढ़ाते कैसे हैं? आपने कभी यूज़ किया? डेफिनेटली। तो इनको पता है, निकालो कि हमने यूज़ किया था तो हमें फट गया था, आता नहीं है। अब चढ़ो अपनी औकात से, औकात में रहने, सही वाला निकालो। नो नो, यू इज फ्रेश, दिस इज, ये मेरा टाइप है। नो, दिस इज नॉट माइन, बट दिस लुक्स लाइक माइन। आप इस पर क्या कर रहे हैं? नो नो, आई एम नॉट टचिंग दिस, इज न्यू, दिस इज न्यू। नो नो, इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स न्यू। आप यू टीच मी। नो, निकालो। कैसे बताया था कि कैसे चढ़ाते हैं? लेकिन नहीं नहीं, ये औकात के बाहर का है हमारे, वो औकात में रहे, औकात, हाँ, ये वाला। तो इसका दिखा सके चढ़ते कैसे, वीडियो डेमोंस्ट्रेशन के लिए? मैं नहीं करूँगा ये, स्कूल में है, हमें देना है, स्कूल में देना है। तो इसको आप चढ़ा कर दिखा सकते कि हमें पता नहीं हमारा फट गया था एक बार। तो तब कैसे चढ़ाते हैं? वो टीचर ने कहा था कि करते हैं। कॉन्डम आप ना सिर्फ औरतों पर इस्तेमाल कर सकते हैं या आप मर्द के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? उस पर आता है सेक्स के लिए तो औरतें बनी हैं, तो हम सेक्स के लिए औरतें हैं, मर्द नहीं बने हैं। व्हाट डू यू यूज इट ऑन? ओनली वुमेन और मैन? मैन के साथ भी कर सकते हैं आप जैसे जानवर? व्हाई डू यू वांट टू मैन? व्हाई डू यू वांट टू यूज इट फॉर मैन? पता नहीं है ना, बट कभी कभार फीलिंग्स। व्हाई? नो नो फीलिंग्स। वेल देन यू हैव डिफरेंट थिंग्स, राइट? देन यू शुड गो टू डॉक्टर्स। मैस्टरबेशन है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स तो उसके कंडम के कुछ नहीं होते, बेनिफिट्स नहीं, मैस्टरबेशन के बेनिफिट्स। आई नो कंडम में मजा नहीं आता ना, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं इसके बेनिफिट नहीं होते? वो यू नो सारी बातें, ये तो कंडम में एक मजबूरी है आपको, क्या नाम है, आगे लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं करनी। कौन सी बच्चों की? बच्चों के साथ कंडम यूज़ नहीं करना चाहिए? नहीं, बच्चे जब हो जाए, एक लिमिट हो जाए, उसके बाद बच्चे का कंडम यूज़ करना चाहिए। बच्चों को यूज़ करना चाहिए? नहीं, नहीं, बड़ों को। बड़ों को? बच्चों पर? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, बच्चों को बड़ों के साथ?
मैं ये मेरा कहने का मकसद जब बच्चे दो हो जाए उसके बाद कंडम यूज करना चाहिए उनके साथ दूसरे के साथ नहीं नहीं बच्चों के साथ ही अपनी बेगम के साथ यार बच्चा अपनी बेगम के साथ नहीं नहीं आप गलत बयान कर रहे हो आपकी वाइफ है आपके घर में दो बच्चे हो गए उसके बाद आप कंडम यूज करो ताकि क्या नाम बच्चों की तादाद बढ़े ना तो बच्चा अपने पहनेंगे सारी बात है बच्चे हमारे हैं वो है बच्चों के साथ तो बच्चे किसके साथ करेंगे बच्चे अपनी बीवी के साथ करेंगे अगर बच्चे तो उनको बीवी दिलानी चाहिए एज जब आपके एज में हो जाएंगे तब कितनी बार एवरेज मेल हेल्थी मेल को करना चाहिए मैस्टरबेशन दिन में डिपेंड्स करता है कितना आपने अपने टाइम में कितनी बार किया एनिमल पे यूज हो सकता है ये कंडम तो मैन पर नहीं सिर्फ वुमेन पर वुमेन पर होते के साथ बात करती रहती है हाँ देख मैंने देखा था उसके ना कुत्ते के साथ पड़ोसी मैंने देखा था तो यू कैन नॉट यूज एनिमल और मैन इन विद कंडम प्यूबर्टी किस एज में प्यूबर्टी आते हैं मर्दों को प्यूबर्टी क्या होती है चीज़ प्यूबर्टी का क्या मकसद होता है ये कि एज से आप इस काबिल हो गए हैं अभी कि आपको शादी की ज़रूरत है होता क्या उसमें होता ये कि जब आप पता कैसे चलता है कि जरूर शादी की जरूरत हो गई है मामा कहते हैं मेरी भी एक दिन होगी लेकिन मुझे पता नहीं कब होगी मेरी शादी इंशाल्लाह भी आप काबिल हो गए लेकिन काबिल हो गया हूँ मैं तो मुझे प्यूबर्टी तो आपको ना आपको जिंदगी में क्या प्यूबर्टी से पहले मजा आया था या प्यूबर्टी के बाद ज्यादा मजा आया है मुझे शादी के बाद मजा आया माइंड फ्रेश के लिए प्यूबर्टी के बाद हम लोग भी करेंगे हम लोग भी Thank you. बढ़िया. None of the uncles told us how to use it. पैनचोट फार्मेसी भी ट्राई कर ली थी हमने. हमने एक यूज़ किया था अब फिट नहीं आता. दिखा सकते हैं. हमको आता नहीं. आपको आता? Hello. But we didn't quit. We decided to go to the gas station where you buy it from and ask the condom salespeople to help us out. But first, we picked up Mustafa to record for us. Mustafa, Kerala aaye hue kitna time ho gaya? About 2 years. 2 years, huh? Kerala mein sabse achhi cheez kya lagi tumhe? The buildings in downtown, near Eaton Center. Yehi. Historical buildings jo hote hain. To Kerala building dekhna hai. Kerala building mein dekhna hai. I like a few places. To Kerala ki aurte tumhe kaisi lagti hai compared to Sri Lanka? कपड़े के बारे में बात कर रहे हैं औरत के बारे में बात कर रहे हैं क्वालिटी वाइज उनका मटेरियल बड़ा अच्छा होता है शर्म करो यार औरत के बारे में कोई ऐसी बात करता है हाँ लड़की को अपने पर्सनालिटी से देखना चाहिए अपने बॉडी पे ऑब्वियसली सम सर्टेन परसेंटेज बॉडी हां जो लड़कियों के चुत्तर देखे 70% पर्सनालिटी 30% बॉडी यार तुम हर चीज में मैथ्स क्यों ले आते हो यार मैं क्या करूं यार रेशियो बराबर इतने प्रतिशत लड़की की बॉडी के बारे में बात कर रहा हूं उसमें मैथ्स अल्कोहल में भी रेशियो बराबर नहीं होता है ना ब्रो इफ द रेशियो इज नॉट गुड इवन इन तुम लड़की को अल्कोहल से तुम कंपेयर कर रहे हो क्या बात है ये है हमारा जमाना क्या क्या लड़कियों में भी नशा होता है लड़कियों को कभी कपड़ों से कंपेयर करता है कभी अल्कोहल से कंपेयर करता है भाई तू क्या है यार मुझे कुछ नहीं पता मैं दारू नहीं पीता गाइस मैं बस कॉफी पीता हूँ मुझे इनके इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है दारू के अलावा तो और कुछ कितना करता है तू दारू के अलावा और क्या करता हूँ मैं सब बोल दे यार सब व्यूअर्स के सामने सब बोल दे दारू के अलावा और क्या करता हूँ मैं बता बता नहीं दिखा बता मैं क्या करता हूँ मैं बोल रहा था बोल माय बैड मजाक कर रहा था नहीं 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 मैं क्या करता हूँ ना मुन्ना ना मजाक कर रहा था भाई सुनो ऐसी ऐसे नमाजी बंदे के बारे में ऐसी बातें नहीं करते तो नमाजी तो नहीं है सलाह तो एक नंबर का शैतान आदमी है कमीने यो पास में वेप हर वक्त बस वेप चूसते रहते हो और हमें हरामी करते हो चूस मेरा चूस वो जो गुब्बारे जैसा होता है उसमें तेल लगा होता है छोटे छोटे वो पैकेट में मिलता है अटैच वाले गुब्बारा कौन सा है कौन सा है इसका साइज क्या होगा साइज ये वाला बड़ा है बड़ा है नहीं जो छोटा वाला ले वो लेना है कितने हैं इसके अंदर कितने लिखा है तीन है तीन है तीन है एक मेरा एक तुम्हारा एक रुखसाना आंटी रोमिल सर ये पहन करना इससे वो बच्चे पैदा नहीं होंगे ना बच्चे नहीं आप पहनते कैसे हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं
यू कैन सी द वीडियो ऑन द यूट्यूब हां बेस्ट वन कौन सा है बेस्ट 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 कौन सा वाला अच्छा है बेस्ट 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 वन कौन सा है ये और ये अभी इन दोनों में से अच्छा कौन सा ये इनमें साइज कौन सा साइज अभी मैं कह ओ इसका साइज कौन सा कौन सा कौन सा इसमें कौन सा साइज अगर आपको सबसे बड़ा चाहिए तो वो ले लो नहीं 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 इसका वाला चाहिए ये दिस वन या आंटी दिस आंटी कमिंग $50 only. Oh, my, with this one. Small one, eh? It's me. This one's is. Okay. आंटी आ रही है ना आंटी को पैसे दिए थे रुखसाना आंटी को तो आ रही है ना तो उन्होंने कहा था ये चढ़ा कर करना है आप ना एक निकाल सकते कर करना आप इस पर अब दिखा सकते कैसे आता है नहीं नहीं आप चढ़ा कर दिखाए दिखाए वॉशरूम में आकर दिखा सकते आप आएंगे आपको आता है तो नहीं तो जी आप YouTube वीडियो कर लो ये सब हमारा काम नहीं है कैसे लगाते हैं ये मुझे नहीं पता नहीं ये नहीं पता नो आई डोंट नो बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम हां तो आपके पास आ सकते हैं नहीं आ सकते हां किसके पास जा सकते हैं कोई है जो बता सके यहां पे कोई बेचने वाला है जो नहीं कोई नहीं बेचने वाला यहां पे यू कैन गो टू द डॉक्टर दे विल शो यू और ऑनलाइन गूगल पे जाके सकते हो गूगल मिलता है गूगल वाले ये बच्चे तो पैदा नहीं होंगे ना रुखसाना डी को कॉल करो रुखसाना डी को कॉल करो ओके थैंक यू किधर है While we were driving to buy condoms, Mustafa was busy rizzing up a girl on call. So we played some fart noises on the Bluetooth. Yo, stop farting, Mustafa. तो क्या बोलती पब्लिक चच्चा आ गया अब इसको और इसकी पब्लिक को सांडे का तेल देंगे हम तेरा चच्चा है तू साला छक्का है छक्का है तू साला छक्का प्लीज मत करो यार कौन है तेरे को क्या है मेरे को दो मिनट तो दे दो आराम से आप दोनों बात करो आपस में अबे गांडू गैन ज्यादा घन मत फेल तेरी आइटम को दे दूंगा सांडे का तेल मेरी बंदी है हॉट तेरी बंदी है फेल अबे स्टेशन में जाके किसी छक्के को फेल क्या हुआ यार कुछ नहीं हुआ तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी उठा रहे थे उसे क्योंकि मैं उठा रहा था obviously As we entered the store, I saw that the store employee noticed Mustafa holding a camera. So I thought we'd prank Mustafa and act like we don't know him. Excuse me, sir, are you taking a picture? No, I'm not, bro. Don't make videos of me. Okay, bro, I'm not. It's all. This is good, Mustafa. Excuse me, sir. I told you I don't want to take pictures. Yo, this guy looks so done with my shit, bro. Excuse me, I think this guy's taking pictures of me. I'm not. It's off. I'm taking the picture while I'm taking the video. It's off, bro. Don't take videos of me. It's off. Yo, everyone at the gas station is just looking at this guy. I just came here to check out a few stuff. Put it away, buddy. Just put it away. Just put it away. गाल मार बस बाकी गाल मार सब लोग के सामने कमीनो माधर चोदो तुम लोग अपने फ्रेंड्स बना के आ रहे हो कमीनो Bro, I couldn't stop my smile, bro. I couldn't stop my smile. So, motherfucker, क्या कर रहा है जो तेरे मेरे ही कान में रहा है? तेरे पैसे डालने के लिए मैं मर रहा हूँ. Alright, guys. So, no one taught us how to put this on. And we're gonna return these condoms because no one really taught us. So what we're gonna do is we're gonna return the condom at the store and tell them we used the condom. We used condom. We're gonna return it.
चल रोहित जाते हैं हम लोग स्टोर पर रिटर्न करते हैं कंडोम। आइला हम चलेंगे कंडोम रिटर्न करेंगे। अंकल हमने ना वो खरीदा था, क्या कहते उसे, गुब्बारा जैसा कंडम होता है कंडम, हमने कंडम ये था लेकिन ना वो फटा हुआ निकला कंडम, और ना हम लोग अपने जो सिस्टर कजिन है उसके साथ लोग यूज कर रहे थे और फट गया। ये नो ये देखिए फटा हुआ है। गुड नाइट। फटा हुआ अंकल, फटा हुआ है। गेट आउट। ओके लेकिन आप आ सकते कैसे? गेट आउट अंकल। So the next day, this auntie outside the store was asking for food. और इन अंकलों को इतना गुस्सा दिलाने के बाद मैंने सोचा कुछ अच्छा काम कर लूँ। Fruit? Sure. I'll get you food. क्या दूँ उसे मैं यार? Fruit सही चीज़ है। मुस्तफा ये तेरा केला यहाँ क्या कर रहा है? वो चली गई। और इसके लिए सेब खरीदे थे वो चली गई। अरे ये तो बदतमीजी हुई यार, ग्रोसरी करवा कर वो चली गई। Guys, you look for her now. ग्रोसरी मुझसे करवा कर चली गई वो। भिखारी आंटी? भिखारी आंटी मत बोलो यार। लगता है उनको प्रैंक करके चली गई। यार लगता है उसकी शिफ्ट खत्म हो गई यार। खत्म हो गई। आंटी अरे ऐसे कैसे, हाउ कैन शी डिसअपीयर लाइक दैट? यो आंटी वाज फास्ट ब्रो। नेक्स्ट टाइम डोनेशन ना खरीदने से पहले इन आंटियों का ना नाम पता लेना चाहिए। आपके कौन से ठिकाने? स्टॉप ब्रो, सो बैड। आप 5-4 यार भीख मांगती हो? स्टॉप ब्रो, रात को मैं उधर भीख मांगती। Stop, man. Stop. You started it. I didn't start it, bro. You started it. I was just buying your apples, man. मर्द का पता है कि मर्द मैस्टरबेशन करते हैं, मर्द का मैस्टरबेशन करने की चीज़ होती है, लेकिन ये लेडीज लोग के पास नहीं होती ना, तो वो नहीं कर सकते क्या? उनके पास भी ऑप्शन है, उनकी भी है। अच्छा। उनका बड़ा होता है या हमारा बड़ा होता है? और लड़कियों का किस साइज का होता है? नहीं लड़की के पास होता है ये? हाँ लड़कियों के पास क्यों? अच्छा ये लड़की और ये मिल जाते हैं टॉयज मिल जाते टॉय। अच्छा अच्छा मेल्स के लिए भी होते हैं टॉयज? सब कुछ होता है। अच्छा होता है।